अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक दिनों के और रंगों के नामों के बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने सबक की तरफ। डियर टीचर्स, हमारे सफ़े पे दी हुई हिदायत कुछ यूं है, मुझे दिनों और रंगों के नाम आते हैं। ये बच्चा कह रहा है ना, जो कि पिछले जितने हमने कुछ दोहराई के सबक देखे थे, तो बच्चा यही कह रहा था कि उसे इन चीज़ों के नाम मालूम है। उससे पहले हम बच्चों के साथ एक दोहराई का काम करते थे, ताकि जब बच्चा इस सफ़े पे आए तो वो यकीन के साथ कह सके कि उसे वाकई मालूम है इन चीज़ों का। जब हम दिनों की बात करते हैं, तो हर हफ्ते हमारे दिन बार बार दोहराए जाते हैं, यानी कि पीर वाले दिन, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये सब दिन हम बच्चों के साथ काम करते हुए बार बार दोहराई कराते हैं। इसका मतलब ये कि बच्चों को इनकी पहचान तो लाजमी है। तो हमने सिर्फ करना ये है कि हम बच्चों को बताएंगे कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं। बच्चे बताएंगे कि 7 दिन, और अगर नहीं बताते तो आप बताइएगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिसमें से हम 5 या 6 दिन स्कूल आते हैं और 1 दिन हम छुट्टी करते हैं, जो कि इतवार का दिन होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करने के बाद आप बच्चों के साथ एक दफ़ा दोहराई करवा लीजिए इन दिनों की, कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। अब हमने ये वाला दोहराई तो हमने ये करवा दी, अब यहाँ पे हम छोटी सी एक और गेम खेलते हैं और बच्चों से ये पूछें कि वो कौन से दिन हैं, कौन कौन से दिन हैं जो जीम ज से शुरू होते हैं। तो बच्चे फौरन से बताएंगे आपको। फिर बच्चों से पूछे कि बे ब से कौन से दिन शुरू होते हैं, हे ह के, अलिफ अ, पे प और मीम म और मीम म। बच्चे आपको बारी बारी बताते जाएंगे कि ये दिन है। जब आपने ये वाला काम करवा दिया हो, तो फिर बच्चों को आप कुछ तस्वीर दिखाइए और तस्वीरों के अंदर रंग होने चाहिए मुख्तलिफ। बच्चों से पूछें कि कौन कौन से रंग नज़र आ रहे हैं बच्चों को। बच्चे आपको बताते जाएंगे कि ये नीला है, ये पीला है, ये काला है, ये हरा है, ये सब्ज़ है, गुलाबी है, या अंग्रेज़ी में भी हो सकता है वो आपको ये सारे नाम बताएं। जिस भी ज़ुबान में बच्चे आपको नाम बताएंगे रंगों के, आप वो रंगों के नाम बच्चों से लेते जाइए और वहाँ पे आप साथ साथ बच्चों को ये बताते जाइए कि ये दुरुस्त नाम है उर्दू में और ये तो अंग्रेज़ी में है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा कहता है कि ये येल्लो है, तो आप बच्चे से कहेंगे है तो ये येल्लो, मगर येल्लो तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो येल्लो को हम उर्दू में क्या कहेंगे, पीला। इसी तरह से ग्रीन, हरा, ब्लैक, काला, ब्लू, नीला, ये सारी बातें बच्चों के साथ कीजिए। और जब आपको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि बच्चों को रंगों की पहचान हो गई है और उनको ये मालूम है कि इन रंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, फिर हम चलेंगे अपने सफ़े की तरफ, क्योंकि अब बच्चा यकीन से कह सकता है कि उसे दिनों और रंगों के नाम आते हैं। इस सफ़े की दोहराई करवाइए बच्चों के साथ। इस सफ़े को कराने के लिए हमारा पहला हिस्सा जो है वो है दिनों के नाम। आप बोलते जाइए और बच्चा आपके पीछे दोहराई करता जाएगा। जब आपने इसके बारे में बात कर ली, तो फिर हमारे पास बिल्कुल नीचे 6 तस्वीरें मौजूद हैं और उन तस्वीरों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं और हर चीज़ के अंदर मुख्तलिफ रंग हैं। आप बच्चों से बारी बारी पूछते जाइए कि कौन कौन से रंग बच्चों को नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो पेन है या कलम है, इसका रंग क्या है, नीला। फिर है जूता, जो कि काला है। फिर है सफ़ेद शर्ट यानी कमीज़। फिर है सुर्ख कार, पीला लीमू और सब्ज तोता। ज़बरदस्त। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बच्चे से एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा, क्योंकि हमारे तो इस सबक का आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे हम बच्चे से एक दफ़ा दोबारा से हरूफ तहजी की दोहराई करवाएंगे और बारी बारी पूछते जाएंगे कि नीला किस आवाज़ से शुरू होता है, पीला किस आवाज़ से शुरू होता है और इसी तरह सफ़ेद के शुरू में कौन सा हर्फ आता है। जब आपने बच्चों से इस चीज़ की दोहराई करवा ली हो और आपको यकीन हो जाए कि बच्चों को इन हरूफ तहजी की पहचान हो गई है,
तो बच्चों की एक दफा दोबारा से फ्लैश कार्ड की गेम जरूर करवाइएगा ताकि बच्चों को मजीद पुख्तगी हो जाए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।